नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में पार्टियों के बीच ये होड़ लगा है कि कैसे भी करके जनता को अपनी ओर आकर्षित करें। इस बीच बिहार कांग्रेस द्वारा आज डिजिटल सदस्य अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह, एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, वीरेंद्र राठौड़ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर मदन मोहन झा ने कहा कि कोरोना काल में लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन सही नहीं है, इसलिए आज से कांग्रेस डिजिटल सदस्य अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस डिजिटल सदस्य अभियान को हर ग्राम पंचायत में लेकर जाएगी। वहीं बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बिहार में चुनाव आ रहा है, बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार ने सिर्फ पावर पॉलिटिक्स की है, लेकिन कांग्रेस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब इस पावर पॉलिटिक्स वाली सरकार से उब चुकी है और अब जनता बदलाव चाहती है। विशेष क्या कुछ कहा, सुनिए। जो आज हम लोग का डिजिटल मेंबरशिप की शुरुआत हुई है, आप पहले से भी जानते हैं जो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कोरोना जैसे महामारी की स्थिति में ये संभव नहीं है कि हमारे नेता सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, शक्ति सिंह गोहिल जी हों या अन्य जो हमारे सम्मानित नेतागण हैं वो अपनी बातों को गांव-गांव तक पहुंचा सकें और उनके समस्याओं को बैठ कर कहीं समझने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि डिजिटल मेंबरशिप जो है वो जनता से गांव-गांव तक संपर्क स्थापित करने का एक जरिया है, इसलिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि हम लोग डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से जनता के समस्या को सुनेंगे भी और अपना समस्या या अपना जो संदेश होगा उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग ने ये तय किया है और हमारे गांव-गांव तक यूनिट है। ये बात ठीक है, ये लोग बहुत आवागमन आजकल नहीं कर सकते हैं, बहुत भीड़ भाड़ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मेरा यूनिट सब जगह है। हम लोग आज से तेज़ी से इस डिजिटल मेंबरशिप की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, पहले जो है उससे ज़्यादा मेंबरशिप होगा, लेकिन अभी ये जानते हैं ये मेंबरशिप जो है घर में बैठ के नहीं हो सकता। हमारे कार्यकर्ता और नेतागण जितना तेज़ी से जनता के बीच जाएंगे, भीड़ लेके नहीं, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ये तो ऐसा मेंबरशिप नहीं है जो घर में बैठ के किया जा सकता है। ये जब तक वहाँ जाइएगा नहीं, उसका फोटो खुद नहीं खींचिएगा, तब तक नहीं होगा। इसमें जाली मेंबरशिप करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए इंटरेक्शन संवाद बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे लोग जितने जल्दी लोगों से संवाद स्थापित करेंगे उतना ज़्यादा मेंबरशिप होगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 111 के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।